ना केवल मतेवाड़ा पंजाब के किसी भी इलाके के अंदर जिथे मनुखी जीवन को कोई नुकसान सानू नजर आता हो नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने पंजाब तो जमीन मंगी आ इंडस्ट्री लाने लई तां कैप्टन साहब की सरकार ने उन्हां दे उस फैसले नूं फॉलो करदे होया आ जमीन अक्वायर करके पंजाब दे उन्हां पिंडां दी केंद्र सरकार नूं दित्ती। मैं पंजाब दे लोकां नूं जरूर कहना चाहुंदा वी सरकार तुहाडी है, तुहाडे लई काम सरकार ने करना, तुहाडे द्वारा चुनी गई है। पंजाब दे लोक पहला पर जे लोक पहला तो फिर लोगों नू तकरीबन 3.5 महीने या 4 महीने क्यों लग गए सरकार नू इस चीज़ नू समझन नू यू टर्न क्यों लिया गया, ये सब पहला ही हो जाना चाहिए सी फैसला। मैं जरूर तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदा भी ये 1875 एकड़ जिहड़ी जमीन आ मतेवाड़ा दी और इहदे अंदर असीं पहलों ही एक फैसला कर चुके हैं 1.5 महीना पहलों 80,150 बूटे असीं होर उस जंगल च लाने का फैसला किया होया क्योंकि बूटा जो तो गल आने बूटा के नाते पाम आने लग पे पंजाब चल गए पंजाब के पुराने जो रवायती बूटे ने चाहे वह बेरिया ने चाहे किकर ने वह अलोप होंदे जा रहे हैं। विरोधी उही ने जिन्हों दियां सरकारां ने कंडे बीजे है, ये विरोधी कोई उपरों नहीं आए आसमान तो डिगे नहीं, इन्हां दियां सरकारां रहियां ने, इन्हां दियां सरकारां दे ये मतलब फैसले ने और ये उही लोग ने जिन्हां दे मंत्री पंजाब दे अंदर जंगलात नूं खा के अज जेलां च गए है और एक इंच भी साढ़े वातावरण नुकसान हुंदा होवे साड़ी मनुखी जीवन नूं कितों खदसा मतलब सानूं दरपेश आंदा होवे कदी भी पंजाब दी सरकार काम नहीं करूगी। मतेवाड़ा जंगल की गल कर लीए तो उत्थे जिहड़ा टैक्सटाइल इंडस्ट्री पार्क बनना सी उस नूं लैके सरकार अगे बहुत वड्डी चुनौती सी कि किस तरीके दे नाल इस मसले नूं हल कीता जावे। हालांकि सरकार ने इस फैसले नूं रद्द कर दिता है, बेशक पंजाब नूं सनअत की लोड़ है लेकिन उस तो पहला पंजाब नूं जंगल की भी लोड़ है। मेरे नाल लालचंद कटारू चक जी ने मते साहब किवें देखदे हो, हालांकि पंजाब नूं जंगल की बहुत लोड़ है लेकिन जिस तरीके नाल उत्थे टैक्सटाइल इंडस्ट्री पार्क लाने की गल सी वो कितें ना कितें सरकार की गली की हड्डी भी बनता नजर आया सी। देखो पहली गल तो अज बड़ा हिस्टोरिकल फैसला पंजाब के मुख्यमंत्री मानजोग सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई होया जिस मीटिंग फैसला होया मैं भी उस मीटिंग च शामिल सीगा और मैं मुख्यमंत्री जी नूं वधाई दिंदा और मैं समझदा कि मतेवाड़ा का जंगल साढ़े जज्बातों के बहुत करीब है, साढ़े लिए इतिहासक भी है, साढ़े लिए बहुत कुछ मतलब महत्व है, पंजाब के लोग जानते हैं। सो मैं पहली गल तो सीएम साहब के इस फैसले को एप्रीशिएट करता निजी तौर पर भी और पंजाब सरकार का जिहड़ा एक वादा पंजाब के लोगों के नाल कि लोग पहलों है मनुख पहलो है बाकी गल्लां बाद च अगे पिछे कीतियां जा सकदियां। सो यह पंजाब के उस इतिहासक विरसे नूं ध्यान च रखदे आ ते मौजूदा जिहड़े संकट ने पंजाब के अंदर पंजाब का पानी थले जा रहा, पंजाब च ग्रीनरी नहीं है, वातावरण साडा पोल्यूटिड हो रहा, मनुखी जीवन के लिए जिहड़ा बहुत कुछ मतलब जिहड़ा होना चाहिए जिहड़ा पिछले समय च नहीं होया तो सारियां गल्लां नूं ध्यान च रखदे आ। दूजी गल मैं नाल इह कहणी चाहुंदा कि यह सारा कुछ पिछले समय के अंदर जिहड़ी रवायती पार्टी की सरकार सी उहदे टर्न च होया, केंद्र सरकार ने पंजाब तो जमीन मंगी आ इंडस्ट्री लाने लई ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਯੂ ਟਰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂ ਟਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 1875 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਮਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ
80,150 बूटे असी होर उस जंगल च लाने का फैसला किया होया जिहदा प्रोसैस चल रहा। सो इस करके लुधियाना क्योंकि प्रभावित एरिया पिछले समय के अंदर इंडस्ट्री ने जिस तरह साडे बुढ़े नाले नूं पलीत किया है, वैसे तो जनरली पंजाब दे पानी नूं वातावरण मतलब बहुत बड़ा संकट है, पर असी बुढ़े नाले दे उत्ते भी जिहड़ा इतिहासिक फैसला कमेटी बनी हुई है और जिहनूं मतलब जिहड़ा आ संत सीचेवाल जी जिहड़े वातावरण प्रेमी ने उन्हां दीआं सेवावां ला के असी बहुत कुछ लुधियाने दे आले दुआले करना चाहुंदे आ ग्रीनरी दे पक्ष तों। सो इस करके शहीद आजम भगत सिंह रावल लहर जिहड़ी असी तोरी है उहदे दौरान 1,20,00,000 बूटे पंजाब दे वख-वख इलाकियां च लाउणे आ, ना केवल बूटे लाने आ, बूटियां नूं सुरक्षित रखणा वी असी अरका टारगेट मिठिया स्पैशल वह थावां चुन के लावांगे जिथे बूटे ज्यादातर सुरक्षित रह सकन। सो पंजाब दे अंदर अज जो फैसला होया मैं समझदा वी बहुत इतिहासिक फैसला और लोग भी इस फैसले नूं एप्रिशिएट कर रहे मतलब क्योंकि बूटियां जिथे गल आउणी आ बूटियां दे नां ते पाम आउण लग पए पंजाब चल गए, पंजाब दे पुराने जिहड़े रवायती बूटे ने चाहे वह बेरियां ने चाहे किक्कर ने वह अलोप हुंदे जा रहे ने। नहीं बहुत कुछ वैसे तो अपडेटिंग हर खेत्र के अंदर चल रही है, हाईब्रिड आ रहे हैं जिते साड़ी खेतीबाड़ी आ रहे हैं वुड्स भी आ रहे ने, तो यह तो लगातार चलती है, लेकिन साड़ियाँ जिहड़ियां धरोहर ने साड़ियाँ साड़ियाँ जिहड़ी जिहनूं आपां त्रिवेणी कहने आ असी इहदे बारे भी सोच रहे हैं कि पंजाब के अंदर पिपल ने अपना बोड़ा ने इस किस्म के जिहड़े बूटे ने ना केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट खिते के अंदर भी जिहड़े इस किस्म के बूटे लगने आ उन्हां बारे असी जल्दी कोई फैसला जिहड़ा अपना लैण दी सोच रहे भी वह भी ना कट्टे जाण। सो इस करके अपडेटिंग तो चलती है, कोई ऐसी गल नहीं है, लेकिन अपना विरसा सामना अपने विरसे नूं प्रमोट करना उन्हें सुरक्षित रखना असी इहदे तों बाहर नहीं है। लगातार असी पुराने जिहड़े साडे बूटे ने पंजाब के अंदर असी उन्हां दी मतलब सुरक्षा लई काफ़ी प्लैन बनाए आ और तुसी देखोगे 5-7 महीनों के अंदर तुहानूं पंजाब के अंदर एक ग्रीनरी का नवा रूप देखने को मिलेगा। तुसी कह रहे हो कि बड़ा इतिहासिक फैसला है, पुरानियां सरकारां दे फैसले मान सरकार दुरुस्त कर रही है जां लोकां दे लई फैसले लै रही है, पर तुहाडे विरोधी हुण कहिंदे नजर आ रहे हैं कि लोकां दे रोह अगे झुके ने, एडा वड्डा संघर्ष होया उहतों डरदिआं ने फैसला वापस लिया। देखो विरोधी उही ने जिन्हां दीआं सरकारां ने इह कंडे बीजे है, ये विरोधी कोई उपरों नहीं आए, आसमान तो डिगे नहीं, तो इन्हां दीआं सरकारां रहीआं ने, इन्हां दीआं सरकारां दे इह मतलब फैसले ने और ये उही लोग ने जिन्हां दे मंत्री पंजाब दे अंदर जंगलात नूं खा के अज जेलां च गए आ। ये लोग पंजाब दे वारस होण दीआं गल्लां करदे आ, मान साहब नूं तां मैं समझदा वी इन्हां नूं एप्रिशिएट करना चाहिए मानयोग मुख्यमंत्री जी नूं जिन्हें वह कलंक नूं मुल वज धोया, पंजाब दे लोग अज बहुत एप्रिशिएट कर रहे ने और इस करके ये पंजाब दे उस मैं समझदा भी लोगों के जज्बातों की पंजाब के विरसे जिहड़ा मानयोग मुख्यमंत्री जी ने सत्कार दिता है, मैं समझदा भी विरोधियों नू सीएम साहब के फैसले नू एप्रीशिएट करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, ना कि यह कहना चाहिए भी उन्होंने कोई जित हैगी है, उन्हां दीआं सरकारां वेले सारा कुछ किया गया जिन्हों असी सारा कुछ साफ कर रहे हैं। मतलब जेकर असी वेख्या जाए हालांकि उन्होंने लुधियाने के फेफड़े कही जाते हैं, पंजाब जंगल की कमी पहला ही मत्ते बड़ा जंगल पूरा करता है, बड़ा सवाल तो यह भी खड़ा होंदा है कि वह जगह चुनी ही क्यों गई, होर भी पंजाब च थावां हो सकदियां सी, वह जगह जिथे जंगल है जिथे जीव जंतु वसते हैं जो सतलुज दरिया नेड़े पैंदा उही क्यों चुनी गई, उस नूं क्यों पोल्यूटेड करन की कोशिश की जा रही सी। मैं भी यह गल कह रहा भी ये गल्लां ध्यान च रख के सारा कुछ मतलब करना होंदा, देखो इंडस्ट्री की लोड़ है, इंडस्ट्री तो बिना तुसी पंजाब नूं सरवाइव नहीं कर सकते, पहलों ही पंजाब की इंडस्ट्री जिहड़ी है गुआंढी सूबे चली गई है, मैं पठानकोट दे नाल संबंधित हाँ, मेरे नाल कठुए के अंदर पंजाब की सारी इंडस्ट्री शिफ्ट कर गई है, पर हिमाचल च कर गई है, सो पंजाब नूं इंडस्ट्री की लोड़ हैगी है, लेकिन इंडस्ट्री के नाल नाल लोग पंजाब के पहलो ने, जो मनुख ही नहीं रहा तुसी इंडस्ट्री कद लई लाओगे। सो इस करके इंडस्ट्री लाण वालिआं नूं भी मतलब चंगे वातावरण की शुद्ध वातावरण की लोड़ है, उन्होंने परिवार भी उन्होंने भी इत्थे रहना बसना, सो मैं समझदा हाँ तो यह जिहड़ा है इंडस्ट्री भी पंजाब च आवे वह उहदे लई सरकार देखो कि की गाण वाले समझ कित्थे लाउणी है, पर यह जो मतलब फैसला सीगा ये गैर वैज्ञानिक सीगा और साडे इतिहास के अंदर वह सुनहरी जिहड़े खूबसूरत इमोशनल एपीसोड होए आ घटनावां वापरियां ने ये उन्हां दी तर्जमानी भी करदा, मैं समझदा भी ये बहुत गुड फैसला और विरोधियों नूं सीएम साहब का धन्नवाद करना। कोई कार्रवाई करोगे जिन्हां ने वो जगह चुनी, क्यों जगह चुनी, इहनूं लैके कोई ना कोई जांच पड़ताल? नहीं इस किस्म का कोई नहीं, अज तां फैसला रद्द कीता बस।
लेकिन जो पार्क बनाने गल करते हैं तो भी एक उसारी वाला काम हो गया ना, जिहड़ी जगह उसारी नहीं करनी उत्थे उसारी हुंदी नजर आउ। इको टूरिज्म दे अंदर उसारी नहीं हुंदी, उत्थे तां मतलब तुसीं होर किस्म दे जिहड़े आ ना बनाने हुंदे आ, उत्थे उसारी नहीं हुंदी, उसारी दी मनाही उहदे अंदर। तो असीं जिहड़ी कमेटी अज मिली आ उन्हां ने भी इच्छा जाहिर कीती आ वी तुसीं इहनूं जिहड़ा आ इको टूरिज्म दे रूप दे विच प्रमोट करो, असीं उहदा वेलकम करांगे। उत्थे कुछ चल भी रहा है इस किस्म दा, लोग उत्थे आंदे भी आ। तो जो भी करांगे उस इलाके दे लोकां दी, पंजाब दे लोकां दी सलाह नाल करांगे, और एक इंच भी साढ़े वातावरण नूं नुकसान हुंदा होवे, साडी मनुखी जीवन नूं कितों खदशा मतलब सानूं दरपेश आंदा होवे, कदी भी पंजाब दी सरकार काम नहीं करूगी। हाँ उत्थे होर असीं जंगलात महकमे वल्लों भी काफ़ी आने वाले दिनां साडा उत्थे बन रहा मतलब कोई प्लैन असीं कर रहे हां, और लुधियाने लई एक वधिया वेन्यू बने दी साडियां इच्छावां भी ने, और इस दिशा च मानजोग मुख्यमंत्री जी ने अज फैसला लिया। सनत बहुत जरूरी है, पंजाब नूं सनत आऊगा, पंजाब च पैसा आऊगा, इन्वेस्टमेंट आऊगी, रोजगार पैदा होगा। की इंडस्ट्री जिहड़ी उत्थे लाई जाणी सी उहदी उह गलबात गांह तुरी भी किते होर जगह वेखी जा रही होणा? नहीं अजे नहीं, अज तक केवल फैसला रद्द होया। मैं जिवें दस्सिया वी इंडस्ट्री दी लोड़ है, हां उह किथे लाणी है, उत्थे वी इहनां गल्लां दा ध्यान रख्या जाऊगा। ना केवल मतेवाड़ा, पंजाब दे किसी भी इलाके दे अंदर जिथे मनुखी जीवन नूं कोई नुकसान सानूं नजर आउंदा होवे उत्थे नहीं लगेगी। हाँ लगेगी, लेकिन आने वाले समय च ये सीएम साहब इहदे बारे डिसीजन करनगे, सो इन्हां गल्लां दा ध्यान रख्या जाऊगा। आने वाले समय दा इक सवाल वड्डा आम आदमी पार्टी लई खड़ा हो रहा है पंजाब दे चंडीगढ़ दे रिश्तियां नूं लैके। जेकर असीं विधानसभा की गल करिए, हरियाणा ने विधानसभा वक्री मंगी, उन्हां नूं प्रवानगी मिल गई, एक ट्वीट भगवंत मान करते हैं, उस ट्वीट तो बाद हरियाणा के स्पीकर का बयान आता है कि चंडीगढ़ के नाल पंजाब दा चंडीगढ़ नाल कोई रिश्ता नहीं है, शुरू तो नहीं है, सो पंजाब नूं चंडीगढ़ ते हक जमाउण दे सुपने नहीं लैने चाहिए। पंजाब दे हितां दा, पंजाब दे लोकां दे हितां दा ध्यान इह साडी सरकार दा कंटेंट है, इहदे तों एक भी इंच कोई अगे पिछे सरकार ने नहीं जाणा। मानजोग मुख्यमंत्री बहुत क्लीयर हैगे आ, और पंजाब दे लोकां ने सानूं भेजे इसे करके चंडीगढ़ भी उन्हां दे हितां नूं सुरक्षित रखिया जावे, सो इहदे उत्ते कोई समझौता नहीं। जिहड़ा ट्वीट कीता गया कहिंदे विरोधी कहिंदे कि सरेंडर करके, पहली बार मुख्यमंत्री ने सरेंडर कीता किसे नूं? विरोधियों का अपना रूट मैप है जी, विरोधी तो कुछ ना कुछ कहणगे, उन्होंने अपना लोगों ने कुछ कहने लिए अरकां भेजिया, सानू काम करने लिए भेजिया, सो अपना काम कर रहे, असीं अपना काम कर रहे। हकां दी गल करदे ने, चंडीगढ़ ते पंजाब दा हक है, वह हक नूं लैके तुहाडी सरकार जां तुसीं की करोगे? पंजाब दे लोग बहुत चंगी तरह जानते हैं कौन पंजाब दे हकां हितां लई लड़िया, इस करके पंजाब लई साडे लई पंजाब प्रथम है, पंजाब दे लोग प्रथम ने, उन्हां तों एक भी अगे पिछे नहीं जाणा, ये साडी सरकार दा मतलब जिहड़ा आ दृष्टिकोण है। और मानजोग मुख्यमंत्री लगातार इस सवाल दे उत्ते जिहड़ा ओह काम कर रहे, इस रूट ते काम कर रहे आ, और गां भी करदे रहणगे। सो लोगों के लिए काम होंदा रहूगा, इस आप सरकार का कहना है, पर काम किस नजरिए अगे जाके की तस्वीर पंजाब की पेश करता है, पंजाब के लोगों को की फायदा मिलता है, ये सवाल का जवाब भविख के गर्भ च। मैं सरखाव अपने सहयोगी बिंतेश के नाल, रोजाना स्पोक्समैन चंडीगढ़।